सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों चलते हैं न्यूज की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है। सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए नई अपडेट, मालिक और अधिकारियों पर फिर हुआ मुकदमा। बड़ी अपडेट जो दोस्तों आपके लिए लेकर आए 29 नवंबर 2022 यानी कि आज की ताज़ा अपडेट। अपडेट सुनाने से पहले दोस्तों आपसे अनुरोध है कि चैनल पर बने रहें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, सहारा इंडिया निवेशकों के लिए क्या नई अपडेट है। ये बड़ी अपडेट, सहारा इंडिया में अपनी मेहनत की कमाई जमा करने वालों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। निवेशकों ने अपने रुपए को अधिक ब्याज व जल्द दुगना करने के मकसद से सहारा इंडिया में जमा कराए। निवेशकों के पैसे नहीं लौटाने पर सहारा इंडिया कंपनी के मालिक पर एक और केस दर्ज किया गया। ये केस अम्बाला में दर्ज किया गया है। सहारा इंडिया कंपनी के सुब्रत राय, ओपी श्रीवास्तव, देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव, सुधीर कुमार श्रीवास्तव, करुणेश अवस्थी, अवधेश कुमार श्रीवास्तव, बच्चा झा, ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव और लालजी वर्मा, नीरज कुमार पाल, सुब्रत राय की पत्नी सपना राय, बेटी सुमंतो राय, बेटे सुशांत राय और बेटी चांदनी राय, रिचा राय, जेबी राय के खिलाफ छावनी के कैंट सदर थाने में फिर एक धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा विगत कई वर्षों से नहीं मिल रहा, तो अब सहारा के प्रबंधन के ऊपर यहाँ पर चारों तरफ से FIR दर्ज की जा रही हैं। छावनी में लाजवंती कॉलोनी में रहने वाली बलजीत सिंह ने निवेशकों की तरह से कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की और बताया कि निवेशकों के रुपए लेने के बाद भी कंपनी निर्धारित समय निकल जाने पर भुगतान नहीं कर रही है। ऐसे में कई निवेशकों की गाड़ी कमाई अब तक वापस नहीं हुई है और कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में निवेशकों की मानसिक रूप से परेशान है, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि ये जो निवेशकों की धनराशि सहारा इंडिया में जमा की गई है वो अपनी निर्धारित समय पर यानी कि मैच्योरिटी अवधि पूरी होने के बाद उनको नहीं मिल पा रही और साल, दो साल, तीन साल, चार साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लोग परेशान हैं। इसी को लेकर यहाँ पर निवेशकों की मानसिक परेशानियाँ बनी हुई हैं, आर्थिक परेशानियां बनी हुई हैं। इसी को लेकर ये यहाँ पर FIR दर्ज करी जा रही हैं। तो दोस्तों ये थी सहारा से जुड़ी आज की ताज़ा अपडेट। अपडेट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, धन्यवाद।